चुनावी मौसम में हरियाणा और राजस्थान से सामने आई ये दो तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस के लिए खुशी से ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली हैं। राजस्थान में कांग्रेस के एक या दो नहीं बल्कि 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिछपाल मिर्धा और खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। माननीय उकाल सिंह जी लाखावत साहब, हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष बहन ज्योति मिर्धा जी, मुकेश दादी जी, श्रवण मगड़ी जी, दामोदर अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री। बीजेपी में शामिल हुए खिलाड़ी लाल बैरवा पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया था। बैरवा को उम्मीद थी कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में टिकट जरूर देगी, लेकिन नहीं मिला तो पाला बदल लिया। यानी कहीं सीट शेयरिंग के पेच के चलते गठबंधन का गणित पलट रहा है तो कहीं सीट के लिए नेता दल बदल रहे हैं। अब ऐसी ही तस्वीर हरियाणा में भी नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने टिकट कटने की अटकलों के बीच पाला बदल लिया है। ब्रजेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दी है। सर, भाजपा छोड़ने के तीन आपने बड़े कारण बताए उसके बाद, लेकिन आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि मन मुताबिक जो सीट है वो नहीं मिल पा रही थी इसलिए छोड़ा। नहीं, 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 वो कहीं से भी ये जॉइनिंग मेरी आज हुई है, लेकिन मैं संपर्क में काफी समय से हूँ। अब ब्रजेंद्र सिंह भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टिकट के लिए बीजेपी से दूरी नहीं बनाई, लेकिन चर्चा तो यही है। हरियाणा में एनडीए में शामिल जेजेपी हिसार और भिवानी सीट पर दावा कर रही है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर बीजेपी और जेजेपी में समझौता हुआ तो हिसार सीट जेजेपी के खाते में जा सकती है। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा था। खबर है कि ब्रजेंद्र सिंह के पाला बदलने के बाद अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।